फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट ऑफ बॉडी। और मैं हूं अनिल सैनी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए। उसका फ़ायदा ये होगा, इन फ्यूचर में अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुँच जाएगी। सो आज मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के ऊपर। सो लेट गेट स्टार्ट। सो गाइस, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग की, जिसमें आपको पहले सीधा बैठ जाना है, उसके बाद अपने हाथों को अपने पाँव के साथ टच करना है, जिससे आपके हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगे, और कम से कम 20 से 30 सेकंड उसको होल्ड करके रखना है ताकि जो अच्छी तरह स्ट्रेच हो सके। सो गाइस, ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है, जिसमें आपको पहले सीधा खड़ा हो जाना है, उसके बाद स्लोली स्लोली नीचे जाना है और अपने पाँव को टच करना है। अगर नहीं भी कर सकते तो जितना आ सकते हो उतना ही करना है, और कम से कम 25 से 30 सेकंड इसको होल्ड करके रखना है ताकि जो आपकी लोअर बैक है वो और आपके हैमस्ट्रिंग अच्छी तरह स्ट्रेच हो सके। सो गाइस, दिस इज़ द थर्ड एक्सरसाइज, जिसमें आपको पहले अपनी एक टांग के ऊपर बैठ जाना है, देन सेकंड टांग को खोल के अपने हाथों को अपने पाँव के साथ टच कर लेना है, और कम से कम 20 से 30 सेकंड उसको होल्ड करके रखना है ताकि जो आपके हैमस्ट्रिंग है वो अच्छी तरह स्ट्रेच हो सके। देन गाइस, सेम टू सेम लाइक आपको सेकंड लेग के साथ भी वैसे ही करना है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, एक टांग के ऊपर बैठ के सेकंड टांग को खोल लेना है और टच कर लेना है अपने पाँव के साथ अपने हाथों को, और इसे भी कम से कम 20 से 30 सेकंड होल्ड करके रखना है ताकि जो आपके हैमस्ट्रिंग है वो अच्छी तरह स्ट्रेच हो सकें। और इस एक्सरसाइज को लगाने के साथ आप अपनी दोनों लेग्स फुली ओपन कर सकते हो। सो गाइस, दिस इज़ द फोर्थ एक्सरसाइज, जो आपके थाइसेप के मसल के लिए है, जिसमें आपको पहले सीधे बैठ जाना है, देन स्लोली स्लोली पीछे लेटना है, जिससे आपके थाइसेप के मसल स्ट्रेच होंगे, और इस एक्सरसाइज को कम से कम 30 से 40 सेकंड आपको होल्ड करके रखना है। सो गाइस, दिस इज़ द फिफ्थ एक्सरसाइज, ये भी आपके थाइसेप के मसल के लिए है। इसमें आपको पहले स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाना है, देन हेल्प ले लेनी है एक दीवार की, और अपनी जो नी है उसको पकड़ के पीछे को स्ट्रेच करना है अपने थाइसेप के मसल को, और कम से कम 20 से 30 सेकंड उसको होल्ड करके रखना है। देन सेम टू सेम सेकंड लेग के साथ भी वैसे ही करना है, और कम से कम 20 से 30 सेकंड उसको भी होल्ड करके रखना है। गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर योर लोअर बैक, जिसमें आपको अपने हाथों की हेल्प लेके अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाना है और होल्ड करके रखना है कम से कम 1 से 1.5 मिनट, और इसको अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, और इस एक्सरसाइज के साथ आपकी लोअर बैक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। दिस इज़ सेकेंड एक्सरसाइज फॉर योर लोअर बैक, जिसमें आपको अपने हाथों को आगे ले जाना है, देन अपने हिप्स को अपनी हील्स के साथ टच करना है, और कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक उसको होल्ड करके रखना है और फुली स्ट्रेच करना है। सो गाइस, दिस इज़ अ थर्ड एक्सरसाइज फॉर योर लोअर बैक, जिसमें आपको पहले डोगी स्टाइल में बैठना पड़ेगा, देन आपको अपनी राइट आर्म को आगे की तरफ करना है और लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ करना है, और कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक उसको होल्ड करके रखना है। देन सेम टू सेम आपको अपनी लेफ्ट आर्म को आगे करना है और राइट लेग को पीछे की तरफ करना है, और कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक होल्ड करके रखना है, जिससे आपकी लोअर बैक पे प्रेशर पड़ेगा। सो गाइस, दिस इज़ द फोर्थ एक्सरसाइज फॉर योर लोअर बैक, जिसमें आपको पहले सीधे नॉर्मल लेट जाना है, उसके बाद अपने हाथों को अपनी थाई के नीचे ले लेना और अपनी टांगों को ऊपर उठा लेना, और कम से कम 15 से 20 सेकंड उसको होल्ड करके रखना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। गाइस, ये एक्सरसाइज आपकी साइड स्ट्रेचिंग के लिए है, जिसमें आपको पहले अपनी राइट लेग को इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लेफ्ट साइड घूमना पड़ेगा और होल्ड करना होगा आपको कम से कम 20 से 30 सेकंड तक। देन सेम टू सेम लेफ्ट लेग को इकट्ठा करके राइट साइड को घूमना पड़ेगा और होल्ड करना होगा आपको कम से कम 20 से 30 सेकंड तक।
गाइस ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर के मसल के लिए है, जिसमें आपको अपनी राइट आर्म को घुमा के अपनी लेफ्ट आर्म के साथ स्ट्रेच करना है और इसे कम से कम 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। देन सेम टू सेम आपको अपनी लेफ्ट आर्म को घुमा के अपनी राइट आर्म के साथ अपने लेफ्ट आर्म के मसल को स्ट्रेच करना है और इसे भी होल्ड करके रखना है 20 से 30 सेकंड तक। गाइस इस एक्सरसाइज में आपको पहले सीधा बैठ जाना है, देन अपने दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं और अपनी राइट आर्म को अपने लेफ्ट आर्म के साथ स्ट्रेच करना है और होल्ड करके रखना है कम से कम 20 से 30 सेकंड तक। गाइस देन सेम टू सेम आपको अपनी लेफ्ट आर्म को खींचना अपनी राइट आर्म के साथ और होल्ड करके रखना है कम से कम 20 से 30 सेकंड तक। और गाइस इस एक्सरसाइज के साथ आपके लैट्स भी स्ट्रेच हो जाएंगे। गाइस ये एक्सरसाइज आपके बाइसेप की स्ट्रेचिंग के लिए है, जिसमें आपको अपने हैंड को होल्ड करना होगा कोई भी मशीन या फिर दीवार के साथ और अपनी एल्बो को आगे की तरफ लेके आना है, जिससे कि आपके बाइसेप स्ट्रेच हो सके। और देन आपको सेम टू सेम अपनी लेफ्ट आर्म को भी वैसे ही स्ट्रेच करना है और उसे होल्ड करके रखना है कम से कम 20 से 30 सेकंड तक। और इस एक्सरसाइज के साथ आपके बाइसेप की स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी और आपके बाइसेप का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। गाइस ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप के लिए है, जिसमें आपको अपनी एल्बो को टच करना है एक दीवार के साथ और उसे होल्ड करके रखना है कम से कम 40 से 50 सेकंड तक। देन सेम टू सेम आपको अपनी लेफ्ट आर्म को भी ऐसे ही टच करना है दीवार के साथ और उसे भी होल्ड करके रखना है 40 से 50 सेकंड तक। इस एक्सरसाइज के साथ आपकी जो लैट्स है उसकी स्ट्रेचिंग भी अच्छी हो जाएगी। गाइस ये एक्सरसाइज आपकी रिस्ट के लिए है, जिसमें आपको अपनी राइट आर्म ऊपर उठानी है और उसके बाद अपनी लेफ्ट आर्म के साथ अपनी उंगलियों को पीछे की तरफ खींचना है। देन सेम टू सेम आपको अपनी लेफ्ट आर्म ऊपर उठानी है और राइट आर्म के साथ अपनी उंगलियों को पीछे खींचना है और इसे होल्ड करके रखना है कम से कम 30 से 40 सेकंड तक। देन आपको इसका ओपोसाइड करना है, अपनी लेफ्ट आर्म को खींचना है अपनी राइट आर्म के साथ और इसे होल्ड करके रखना है 30 से 40 सेकंड तक। देन सेम टू सेम आपको अपनी राइट आर्म को खींचना है अपनी लेफ्ट आर्म के साथ और इसे भी होल्ड करके रखना है 30 से 40 सेकंड तक। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।